करने को कहा कोई आप लोगों का इंतजाम नहीं है कुछ कुछ इंतजाम नहीं है हम लोग कहां जाएंगे अभी अभी दिमाग खा ले और आप बिल्कुल कुछ नहीं खाना भी भूख लगने की खाना खाने में कुछ नहीं अच्छा लग रहा था मेरे को आ गई मैं भूखी हूँ मैं भूखी ये नेता को दिख रहा है नहीं दिख रहा नेता को कोई मोदी कोई नहीं ये सब चालू कर रहे चालू करो आज चालू करो आज देखो क्या होता है यहाँ पे उनको बोलो उनको प्रेशर है उससे कुछ नहीं होगा खाली खाली पैसा लेने के लिए बस अरे मजबूरों की मजबूरी समझो हम लोग को घर लेना रहता तो कवर खोल दो कवर ताकि सब लोग कवर के अंदर सो जाए तो आपका
विषय खत्म हो जाए। लोग 5,000 5 लाख 2 लाख 3 लाख जमा करके सब अपनी जमा पूंजी से घर खरीदते। घर खरीदना आज की तारीख में आसान बात नहीं है और आप एक झटके में लोगों को बेघर कर देते हो। यहाँ पर सवाल उठता है कि कुछ मेरे एक पहचान वाले रिश्तेदार है और काफी और भी जो आम जनता है वो भी मेरी बहन है। उन लोगों के दुख पर मैं यहाँ पर आई हूँ। उन्हें रोते हुए मुझे कॉल किया कि आप ही मैडम मेरा घर बिक रहा है, मेरा घर टूट रहा है, मेरा कबर की किसी हालत। अभी आपने देखा कि बिल्डिंग को किस तरह से डैमेज किया है। बच्चों का भी लिहाज नहीं किया गया है। बच्चे दब के मर सकते थे। मरने के बाद आप लोग ना कॉन्डोलेंस दिखाते हैं, रेस्ट इन पीस दिखाते हो। जिंदा लोगों की आप लोगों को कदर नहीं है, जिंदा लोगों का एहसास नहीं है कि जिंदा लोग कबर में जा रहे हैं। मरने के बाद लोगों को सहानुभूति दिखाते हो, मरने के बाद आप लोग आके मुआवजा देते हो। जिंदा लोगों का मुआवजा कौन देगा? बिल्डर देगा, पीटीएमसी आयुक्त देगा, कमिश्नर देगा, कौन देगा? आपको इतने शॉर्ट पीरियड अगर देना भी था, शॉर्ट पीरियड देना भी था तो उनको पहले घर खाली करवाते, फिर आप बिल्डिंग तोड़ते, उनको कहीं पर अल्टरनेट शेल्टर दे देते, उसके बाद आप बिल्डिंग तोड़ते। बिल्डिंग सडनली मुंह उठाए और बिल्डिंग तोड़ने के लिए बुलडोजर फेंक दिया गया। कोई नोटिस नहीं दी गई, ये सब इधर आइए। एक मिनट गिरा दिए, जैसे ऊपर जाके देखो पूरा खाना नहीं खाने दी। ये ऐसे तरीके से खतरनाक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ऊपर 6 माले में तोड़ा है, ये भीम इतना कमजोर कर दिया है, देखिए ब्लॉक, इससे पूरी बिल्डिंग टूट सकती है, पूरी बिल्डिंग टूट के शहीद हो सकती है और सब लोग मर सकते हैं। इसके जिम्मेदार कौन होगा? बिल्डिंग के लोगों के लिए आपको इतना खिलवाड़ कर रहे हो कि इतने खतरनाक तरीके से आप तोड़ रहे हो, बिल्डिंग का पिलर तोड़ रहे हो, भीम तोड़ रहे हो। भीम तोड़ोगे तो बिल्डिंग अपने आप गिर जाएगी, सब गिर के मर जाएंगे। कौन देगा? 5-2 लाख रुपए जमा करके घर खरीद के वो लोग रह रहे हैं, दूर दूर से आए, कहाँ से आए, उन लोगों की बदुआ मत लो। आप लोग तो अपना ताजमहल घर आशियाना बना लेते हो, लेकिन उन बेरोजगारों का पहले घर तो बना लिया होता, उसके बाद उनको घर से निकाला होता। यहाँ पर कब से लोग रो रहे हैं, मैं 2 घंटे से यहाँ पर देख रही हूँ, बुलडोजर वहाँ पर मारा जा रहा है, हथौड़ी ऊपर मारी जा रही है, जमीन यहाँ तोड़ी जा रही है, ये छोटे बच्चे लोग के सर पे पट्टी लग रही है। कौन इसका जिम्मेदार है? ये गुण तोड़ रहे हैं और ये दब जावा जाइए तो कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? जो बनाया हुआ जिम्मेदार होगा, क्या वही दिखाता है? वो कार दबा के अपने घर बैठा है, बिल्डर का बिल्डर बोलता ही नहीं है, डर के मारे कोंक रहा है। ये लोगों का दुख बोल रहा है, ये लोगों का दुख बोल रहा है, क्योंकि वो अपनी जमा पूंजी ना घर के खाने का बचा के 2 लाख 5 लाख से अपना आशियाना बनाते। आशियाना आज की तारीख में बनाना आसान है, अगर जीपी बिल्डिंग आपको बनानी है तो मेरा बोलने का ये मतलब है, अगर आपको तोड़ना ही था तो आप इनको बनाने की परमिशन नहीं देते। कमिश्नर को भी पता था, टीएमसी को, आयुक्त को पता था, दीवा प्रभा समिति को पता था, थाना टीएमसी ऑफिस को पता था, पुलिस को पता था, सबको पता था, बिल्डर्स को भी पता था कि बिल्डिंग आगे जाके टूटेगी, तो उनके साथ खिलवाड़ क्यों किया? उनके अमाउंट को लेके आपने अपना इन्वेस्टमेंट का ताजमहल बनाकर कब्रिस्तान बनाने का काम क्यों स्टार्ट किया? क्यों किया? ताजमहल बनाकर कब्रिस्तान बनाकर पब्लिक रूम लेने से पहले इंक्वायरी क्यों नहीं करती है? सुनिए, जब ऐसी आपदा आती है तो ही पब्लिक को जो है समझ में आता है कि बिल्डर रॉन्ग है या टीएमसी रॉन्ग है। रूम लेने से पहले पब्लिक जो है इंक्वायरी क्यों नहीं निकालती कि बिल्डिंग कैसी है, सही है नहीं है, 7/12 है नहीं है? सुनिए मेरी बात, सुनिए, इस विषय पे मैं आपको जवाब दूंगी। कोई भी, मैं छोड़ दीजिए कि मैं पॉलिटिकल कोई एक छोटी सी लीडर हूँ या मैं अध्यक्ष हूँ, छोड़ दीजिए मेरा विषय, मैं एक आम नागरिक की तरह एक जवाब सवाल पूछूंगी। लोगों को जब सर छुपाना होता है ना, सर छुपाना होता है, तो वो ये नहीं देखते कि वो इलीगल है, लीगल है। आजकल लोग लीगल में भी इलीगल वाला काम करते बिल्डर्स, तो लोग अपना जमा पूंजी जमा कर एक छोटे से आशियाने में अपना घर क्यों नहीं? मैडम मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल ये है कि पब्लिक रूम लेने से पहले लोगों से इंक्वायरी क्यों नहीं करती, खास करके टीएमसी डिपार्टमेंट में जाकर इंक्वायरी क्यों नहीं करती है? मैं उस पे बताती हूँ, बिल्डिंग खाली है, बिल्डर्स को एक मिनट, ये तीन है ना, ये सुनिए, ये तीन चेन चल रही है, तीन चेन आगे तीन चेन चलती है, तीन चेन कैसे चलती है? जनता को उल्लू बनाया जाता है,
जाता है बिल्डर के द्वारा, बिल्डर उल्लू बनाते कमिश्नर के, टीएमसी आयुक्त के द्वारा आश्वासन इनको दिया जाता है बिल्डर के जरिए। बिल्डर अगर आश्वासन दिया तो वो गरीब लोग हैं, वो लोग यकीन कर लेते हैं कि वो बिल्डिंग उनको मिलेगी। अब एक बात सुनिए, दो साल तक ये बिल्डर तैयार है, दो साल के बाद अगर आपको बिल्डिंग पे तोड़ना, उसका फॉर्मेट होता, तरीका होता, लोगों को इंटीमेशन लेटर दिया जाता है, नोटिस दी जाती है, प्रायोरिटी नोटिस दी जाती है 10 दिन की, ताकि वो अपना शेल्टर लेके कहीं और पर अपने आप को मोबिलाइज किया जाए। ऐसा नहीं कि इंसान जिंदा है, घर के अंदर है और आप आके तोड़ दो। बिल्डर को पता था ये बिल्डिंग का प्लान। सुनिए, मैं ये बात नहीं, मेरी बात आप सुनिए, मेरी बात आप सुनिए। मैं बोलूंगी कमिश्नर को, टीएमसी आयुक्त को, सबको पता था कि ये बिल्डिंग तोड़ना है आगे, तो उन्होंने बनाने की परमिशन क्यों दिया? आफरीन मैडम, मैं यही चीज पूछ रहा हूँ कि उन्होंने तो तोड़ने की परमिशन दे दी कि चले डीपी पे है, लेकिन जो जनता खरीदने के लिए जाती है वो पहले पता क्यों नहीं करती है? टीएमसी ऑफिस जाकर, टीएमसी ऑफिस जाकर पता क्यों नहीं करती है? जनता पढ़ी लिखी नहीं रहती है, बिल्डर जनता को बुलवाते हैं। जितनी जनता है सब पढ़ी लिखी नहीं है, पता करवाओ ना, फिर उसके बाद रूम में आप अपना पैसा खुद वेस्ट करते हो, लेके जब वेस्ट होता है तो उसके बाद आप परेशान होते हो। इधर बिल्डिंग नहीं बनाने देना चाहिए, नहीं बिल्डिंग बनाना देना चाहिए था, बिल्डिंग का नक्शा नहीं बनाना देना चाहिए था। Yeah.
जागे। अरे उनको बोलो उनको बेटा आवाज उठाओ ना।